हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड एनिमे ब्रोस में। तो माय डीमन वाइफ के एपिसोड नंबर 120 के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। तो अब बात ही करते बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियांग रीजेंट के पास बात करने के लिए आया होता है। तो एपिसोड 120 में जियांग को यहाँ पर देखकर सभी ह्यूमन सोल्जर्स कहने लगते हैं कि वाओ, यह डीमन जाति का डीमन किंग है, उसकी सीधे हमारे पास आने की हिम्मत कैसे हुई। तभी यालू चिल्लाते हुए कहते हैं, जियांग तुम एक बदमाश हो और तुम एक डीमन किंग बन गए हो। क्या तुम भूल गए हो कि साम्राज्य ने आपको कैसे ट्रेंड किया है। जियांग कहता है, बकवास कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मौजूदा स्थिति को समझाने आया हूं। और फिर हम लाइव टेलीकास्ट में तीन लोगों को बंदी बना देखते हैं। उन तीनों को बंदी बना देख बाकी सोल्जर्स घबराने लगते हैं। तभी उसमें से वाकिफ चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, भले ही हम पकड़े गए हैं लेकिन हम निश्चित रूप से बंदी नहीं हैं। भले ही हम आप पर आरोप लगते हैं, हम बिना पछतावे के मर जाएंगे। तभी डाकलू अपना वेपन वाकिफ के गर्दन पर रखते हुए कहता है, हारा हुआ जनरल बहादुरी से कैसे बोल सकता है। डाकलू बोलते है, यदि यह डीमन किंग के लिए नहीं होता तो मैजेस्टी ने मुझसे तुम्हारी जान बचाने के लिए कहा। डाकलू कहता है, तुम्हारा अंत केवल पिछले तीन के समान होगा। फिर हम देखते हैं ब्रूनो को, जो कि खून में लथपथ जमीन पर पड़ा होता है और कह रहा होता है, फादर मुझे बचाइए। जियांग कहता है, यालू तुमने मुझे साम्राज्य में देखा है, कप द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला अंतिम हथियार, अब मैं तुरंत दो और पावरफुल वेपन बना सकता हूँ। तुम सोच सकते हो कि तब तक कितने लोग मर जाएंगे। यालू जियांग की बातें सुनकर मन में सोचने लगता है कि क्या वह एम्पायर कप में रेनेस पर इस्तेमाल किए गए सुपर वेपन के बारे में बात कर रहा है। यालू चिल्लाते हुए कहता है, साटो अब उसे मार डालो। तभी रीजेंट हवा में उड़ने लगता है और कहता है साटो। और यालू जैसे ही रीजेंट की तरफ मुड़के देखता है, वह देखता है कि रीजेंट के बड़े बड़े ड्रैगन विंग्स निकल आए होते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती है और फेस भी चेंज हो जाता है। रीजेंट कहता है, किंग के साथ आओ, और वह आसमान में और तेजी से ऊपर उड़ जाता है। इजाबेला कहती है, वाइल्ड आइटम। जियांग कहता है, जाके देखो लॉकी में कौन सी मेडिसिन सेल होती है। क्या एंगस, क्या मैं हम यहाँ का उल्लेख करते हैं, यदि दूसरों को बताने में कोई असुविधा होती है। जियांग कहता है, यह जानने के लिए मत पूछो कि वह क्या कहना चाहता है। जियांग कहता है, तुम हमें इस दुनिया की सच्चाई या कुछ और बताने की कोशिश कर रहे होगे। रीजेंट कहता है, ऐसा लगता है कि तुम जाग चुके हो। रीजेंट कहता है, ऐसे में इस किंग को बकवास की जरूरत नहीं है। तभी जियांग और इजाबेला रीजेंट के हाथ में इतने सारे क्रिएशन स्टोन्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। रीजेंट कहता है, इस राजा ने तुम्हारी सारी संपत्ति को साम्राज्य में मिला लिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साम्राज्य बिल्कुल शाही परिवार के बाहर के लोगों को अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की अनुमति नहीं देता है। अर्थव्यवस्था साम्राज्य की जीवन दायिनी है। रीजेंट कहता है, आपके फोर्जिंग वर्क के लोगों को भी रिहा कर दिया गया है और आपके सीनियर ब्रदर वास्तव में टैलेंटेड हैं। इस किंग ने उन्हें ऑफिशियल टाइटल्स दिए हैं और फ्यूचर में वे सभी इस किंग के होंगे। इसलिए आपको फॉर्जिंग वर्क और फार्मिस्ट वर्क द्वारा स्थापित बिजनेस सिस्टम को इस किंग द्वारा वापस भेज दिया जाएगा ताकि आप इसे स्वयं मैनेज कर सकें। जियांग कहता है, इनसे आपका क्या मतलब है। रीजेंट बोलता है, यह किंग जानता है कि तुम सोपीसास के छोटे भाई हो और तुम दोनों भाइयों का साम्राज्य में दुर्लभ टैलेंट्स हैं। फिर वह कहता है, देर सवेर यह किंग मर जाएगा। फिर रीजेंट बोलता है, यदि तुम दोनों भाई साम्राज्य के प्रति वफादार रहना चाहते हो तो यह किंग तैयार है आपको किंग अडॉप्टेड सन के रूप में स्वीकार करें। फ्यूचर किंग, जो किंग लॉर्ड की सीट पर सफल हुआ, जियांग हंसते हुए कहता है, मुझे अभी अभी आपको टोक देना चाहिए था, नहीं तो आपको अपने मुंह से ऐसे शर्मनाक शब्द नहीं सुनने पड़ते। फिर इजाबेला कहती है, मेरे हस्बैंड पहले से ही डीमन क्लैन के नए स्वामी हैं, यानी कि मास्टर हैं। टूटे हुए प्रिंस का पद क्यों प्राप्त करना चाहिए। जियांग कहता है, वाइफ तुम समझ नहीं रही हो, वह अपनी कंट्री का किंग बनना चाहता है, तो मुझे और सोपीसास ने उसे प्रिंस के रूप में सफलता दिलाई। सुनकर रीजेंट हंसने लगता है। जियांग कहता है, क्या मैंने ठीक समझा, तो क्या आप अपनी अगलीनेस को मुस्कान में छुपाते हैं। रीजेंट कहता है, अभी अभी इस किंग और वालसा ने प्रशंसा की, लेकिन मुझे आपसे और अन्य लोगों की उम्मीद नहीं थी। रीजेंट बताता है, यह किंग कभी किंग बनना नहीं चाहता था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 120 यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कर दे। शुक्रिया।
love the chat.